नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। आइए देखें रोस्टेड लहसुन टमाटर का सूप कैसे बनता है। देखें इसकी सामग्री, वेजिटेबल स्टार्च, तुलसी के पत्ते, लहसुन, मिर्च, तेल, थायन, रोजबेरी, काली मिर्च, टमाटर। आइए देखें इसे बनाने की विधि। सबसे पहले जलाएंगे गैस, थोड़ा तेल डालेंगे उसमें। सबसे पहले हम थोड़ा लहसुन लेंगे और फ्राई करेंगे। एक बार जब लहसुन फ्राई हो जाए तो हम टमाटर डालेंगे, इसे हिलाएंगे थोड़ा। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल स्टार्च, थोड़ा सा रोजबेरी डालेंगे। अब थोड़ा थायन डालेंगे, थोड़ा मिर्च फ्लेक्स डालेंगे। एक बार जब मिर्च फ्लेक्स डाल दें तो हम डालेंगे काली मिर्च। अब डालेंगे थायन इसमें। अब तुलसी डालेंगे और नमक डालेंगे। एक बार जब ये सब डाल दें तो हम इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। हाँ, ये पक चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में लेंगे इस मिक्सचर को मिक्सी में पीस लेंगे। एक बार जब इसे पीस लें तो इसे दोबारा गर्म करना है, तो अब हम इसे पैन में गरम करेंगे। गैस जलाएंगे। अब थोड़ा और वेजिटेबल स्टार्च डालेंगे। 2 मिनट के लिए इसे दोबारा उबालेंगे। गैस को बंद करेंगे। आप अब नमक देख रहे हैं, अगर कम है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। इसे हम छान लेंगे। इस सूप को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम टोस्ट के साथ सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म लहसुन टमाटर सूप तैयार है। खाएं, खिलाएं, खुश रहें।